अब देखिए ये यूपीएससी जिहाद तो एक एक टाइटल है। अगर आप इसको ये फिक्स कर दें कि सिर्फ यूपीएससी में जिहाद हो रहा है या सिर्फ यूपीएससी के माध्यम से सब कुछ हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि एक विशाल टॉपिक को थोड़ा छोटे करने जैसा है। मैं अपनी बात इसलिए कहना चाहता हूं, और बड़ी खुशी की बात है कि आज जिस दिन आपने वी सपोर्ट पुष्पिंग कुर्सेस के चलाने वालों ने, चाहने वालों ने ये टॉपिक रखा, आज 30 तारीख है, ये 30 सितंबर भी भारत के इतिहास में लिखी जाएगी। और प्रोग्राम का समय आपने ऐसा रखा है कि एक ऐसा फैसला जो भारत के अंदर कई सौ सालों के बाद भारत के 125 करोड़ हिंदू सनातनियों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन जो 6 दिसंबर 1992 को किया गया और अयोध्या में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर को एक इस्लामिक आतंकवादी ने जिस तरीके से डिमोलिश किया, और डिमोलिश करने के बाद वहां 1528 में उसको ऊपर एक नाजायज गैर कानूनी मस्जिद नाम का स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसको 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया। कहा गया इस देश में सेकुलरिज्म खतरे में है, बड़े सारे नैरेटिव क्रिएट किए गए, और उसके साथ ही भारत की कोर्ट में बहुत सारे उस वक्त के जो नेता थे उनके ऊपर मुकदमा चला। आज उस मुकदमे के ऊपर जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट थी, फैसला आ गया, और जो 49 लोग थे जिसमें से बहुत सारे लोग नहीं रहे, खासतौर से उसमें अशोक सिंघल जी नहीं है, विष्णु हरि डालमिया आप नहीं रहे, लेकिन जो कोई 17 के आसपास या 30 के आसपास लोग जीवित थे, आज उनके ऊपर फैसला आना था, लेकिन भारत की कोर्ट में बुद्धिमान जज ने एक ही मिनट में इसे खारिज कर दिया और कहा कि जिनको भी आरोपी बनाया गया, जिनको भी 70 सालों में इस देश के जिहादियों ने, वामपंथियों ने और लिबरल के नाम में जो मुहिम चलाई, कुछ अखबारों ने मुहिम चलाई और अलग अलग संगठनों ने मुहिम चलाई कि इस देश के उन लोगों को बदनाम कर दिया जाए और किसी भी तरीके से उनके पॉलिटिकल कैरियर को खत्म किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज कोर्ट ने पिछले 6 दिसंबर 1992 से लेकर के 2030, तो कुल मिलाकर के 32 साल के बाद यह आया फैसला, उसने ये बता दिया कि आप समाज में भ्रम फैला सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं, आप किसी का राजनीतिक कैरियर समाप्त कर सकते हैं, लेकिन भारत की कोर्ट ने आज फैसला देकर के सबसे इंपॉर्टेंट इस आंदोलन का जो लीडर थे वो तो एल के अडवाणी थे, लेकिन इस 6 दिसंबर की घटना में जो सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट, जिस आदमी ने अपनी सिटिंग चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी पे लात मार दी, जिस आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि क्या मैं कार सेवकों पे गोली चलवा देता, और अगर मैंने ये नहीं किया और आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो आप मुझे स्वतंत्र हैं सजा देने के लिए, उनको सुप्रीम कोर्ट ने एज ए चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर कोर्ट में खड़े रहने की सजा दी। तो अगर किसी आदमी ने इस आजाद भारत के अंदर, हम ये रिकॉर्ड देखें, सत्ता को छोड़ने के लिए एक ऐसे इशू के ऊपर, एक ऐसे मामले के ऊपर जिससे हजारों साल की सनातन संस्कृति के दबाया गया, उनके प्रतीकों को तोड़ा गया, और उन प्रतीकों को तोड़ने वाले यहां से चले गए, लेकिन उनके नाजायज वारिस इस देश में आज भी इस फैसले के बाद कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो कल्याण सिंह
उमा भारती, लाल कृष्ण अडवाणी, साध्वी रितंबरा, मुरली मनोहर जोशी, ये तमाम सारे लोग जो आज मौजूद थे, इनको कोर्ट ने बरी कर दिया। इसलिए 6 दिसंबर 1992 से चली ये यात्रा और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के निर्माण की भूमि पूजन, और आज ये फैसला ये दर्शाता है, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जब आप बटे, ऊंच नीच में बटे, जातियों में बटे, इलाके में बटे, भाषा में बटे, आपने अपने निजी स्वार्थों को राष्ट्र से ऊपर रखा, आपने सत्ताओं को ऊपर रखने की कोशिश की, तब ये देश एक ऐसे गर्त से निकला है कि आप ये सोच ही नहीं सकते कि आज हम यूपीएससी जिहाद के माध्यम से बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में तो संविधान के तौर पर भी जिहाद चल रहा है, हमारे देश में जुडिशरी में भी जिहाद चल रहा है, हमारे देश में संसद में भी जिहाद चल रहा है, हमारे देश में पुलिस में भी जिहाद चल रहा है। कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां जिहाद की मानसिकता से इस देश की जो मूलभूत पहचान है उसको कैसे मिटा दिया जाए। एक तो खुले रूप में आक्रांता आए, बाबर आया, औरंगजेब आया, अब्दाली आया, अकबर आया, शाहजहां आया, ये जितने भी थे ये तो खुले रूप में लुटेरे आए थे और ये लूट यहां से लेकर के वहां चले गए। लेकिन मुझे उनसे शिकायत इसलिए नहीं है कि वो जो थे वो उन्होंने किया, लेकिन उनको भारत के इतिहास में कैसे ग्लोरीफाई किया जाए, कैसे उस पूरे आक्रांताओं को एक ऐसी भाषा में प्रस्तुत किया जाए ताकि भारतीय समाज ये मान ले कि वो तो भारत को एक सोने की चिड़िया बनाने आए थे, वो तो भारत को एक संस्कृति देने आए थे। 1400 साल पुरानी टेंट की, लुटेरों की, बलात्कारियों की संस्कृति थी उनकी, लेकिन उनको नैरेटिव दिया गया। वो तो यहां प्यार करते थे इसलिए यहां रह गए। मैं कई सारे ऐसे टोपी वाले मौलानाओं की जो शेरवानी पहन के आजकल जगह जगह बड़ी चिंता जता रहे हैं कि देश में हिंदू लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं, जो लोग झूठ की पैदाइश है, जो लोग झूठ पे खड़े हैं 1400 साल से, वो आज इसलिए परेशान है कि आज झूठ नहीं फैलाया जा रहा, उन्होंने जो झूठ फैलाया था 1400 साल से, और इस देश में जिन्हें वो अपना आका मानते हैं, जिस ताजमहल को वो अपने पूर्वजों का पहचान मानते हैं, जिस बाबरी मस्जिद को मानते थे, जिस मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में ईदगाह में जिस औरंगजेब ने 1670 के अंदर किस तरीके से राम कृष्ण जन्मभूमि पे कब्जा किया, किस तरीके से काशी के अंदर तोड़फोड़ की, ये मक्कार मुसलमान इस देश का आज भी ये चाहता है कि मुगल जो आए थे उनकी विरासत के माध्यम से भारत में यहां की 100 करोड़ हिंदू जनता को मूर्ख बनाओ और बार बार उन्हें यह एहसास कराओ कि देखो हम मुसलमान, औरंगजेब मुसलमान, बाबर मुसलमान, अब्दाली मुसलमान, अकबर मुसलमान, शाहजहां मुसलमान, हम सब एक ही हैं और वो हमारे पूर्वज थे। लिहाजा वो पूर्वजों की जो टूटी फूटी यहां बिल्डिंगें हैं, किले हैं, कब्रें हैं, मजारे हैं, पहले तो भारत की धरती पे इन आक्रांताओं की मजारे हैं कौन और किस लिए है? इसलिए 1947 में आप आजाद तो हुए, आप पे कुछ अंग्रेज चले गए, लेकिन कुछ लोग सत्ता में अंग्रेजी में बैठे और कुछ लोग भेष बदल करके इस सत्ता में घुसे और ये शुरू से चल रहा है। इसलिए आज जब यूपीएससी का जिक्र आता है तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं लगता। ये बात ऐसे जरूर अलग हो सकती है कि सुदर्शन टीवी के मालिक सुरेश चौहान के ने जो इनडेप्थ उसमें रिसर्च करके जो चीजें सामने रखी, आज देश उससे दो चार हो रहा है, उसको समझ पा रहा है। लेकिन ये एक ही क्षेत्र है, लेकिन ये एक क्षेत्र किस तरीके से
आने वाले 50-50 सालों में इस देश की व्यवस्था के अंदर, सिस्टम के अंदर, निजाम के अंदर वैसे ही लोग बैठेंगे जैसे जम्मू कश्मीर जो मुस्लिम बहुल राज्य था वहां ऐसे ऐसे कानून, ऐसी ऐसी तजवीजें करी गई कि चोर को भी पता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे और पुलिस को यह पता है हमें इन्हें पकड़ना नहीं है। तो जब निजाम इस तरीके का होगा तो आप सत्ता पे किसी को बिठाइए नहीं बिठाइए उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आज भारत में 400 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट है? क्या हर डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को पता है क्या हो रहा है? लिटरली इस देश में व्यवस्था जो है वो चलाती है देश को।